जेजे हॉस्पिटल रोड डोगरी में 18 लाख एमडी के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। डोगरी नागपुरा में ड्रग्स तस्करी का मामला। आजाद मैदान एंटी ड्रग्स यूनिट पथक के प्रभारी पुलिस निरीक्षक श्री राजेंद्र दैथवे अपनी टीम के साथ दक्षिण मुंबई में गश्त कर रहे थे तो उन्हें जेजे हॉस्पिटल रोड डोंगरी के बेग मोहम्मद चाल परिसर में 2 शख्स संदेह की अवस्था में दिखे। पुलिस पथक ने उनकी जांच पड़ताल की तो उनके पास से 15 ग्राम और 20 ग्राम के एमडी ड्रग्स बरामद किए गए। कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों शख्स नदीम सलीम सोरठिया और नदीम बाटला इस व्यक्ति के पास से ड्रग्स खरीदते थे। दोनों की निशानदेही पर नदीम बाटला को पकड़ लिया गया तो उसके पास से 90 ग्राम एमडी ड्रग्स भी बरामद किया गया। ये तीनों तस्कर दक्षिण मुंबई में नागपाड़ा और डोंगरी परिसर में पिछले लंबे अरसे से ड्रग्स सप्लाई करने का काम कर रहे थे। अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन अभियुक्तों के पास से एक बड़ा जखीरा बरामद होने की संभावना है। एक बड़ा गैंग भी इस इलाके में ड्रग्स सप्लाई में सक्रिय लगता है जिसकी जांच पुलिस पथक कर रही है। पकड़े गए अपराधियों के नाम इमरान अब्दुल अजीज खान उम्र 42 वर्ष रहीवासी डोंगरी, अब्दुल अजीम करीम साठी उर्फ अजीम बाबा उम्र 35 वर्ष डोंगरी, नदीम सलीम दुरडिया उर्फ नदीम बाटला उम्र 34 वर्ष नागपाड़ा। ड्रग्स सप्लाई करने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश करने में आजाद मैदान एंटी ड्रग्स यूनिट ने प्रमुख भूमिका निभाई तो इस सफल कार्रवाई में मुंबई पुलिस सहायुक्त डॉक्टर सुहास मार्के, अपर पुलिस आयुक्त श्री वीरेश प्रभु, पुलिस उपायुक्त श्री दत्ता नलावड़े, सहायक पुलिस आयुक्त श्री सावला राम अगौने के मार्गदर्शन में प्रभारी पुलिस निरीक्षक श्री राजेंद्र भैले के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक अशोक तपासे, हवलदार धौरके, अमोल पाटी, चौहान राठौर, सिपाही भुजबल इगे, देशमुख निम्बालकर इत्यादि ने अपना प्रमुख योगदान दिया।